दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एनआईए की घेराबंदी, 25 लाख के नाम का ऐलान। दाऊद की कंपनी के खिलाफ भी कसा शिकंजा, भाई अनीस इब्राहिम पर 15 लाख का नाम। छोटे शकील का सुराग देने वाले के लिए पढ़ी इनाम की राशि, 20 लाख का मिलेगा इनाम। जावेद चिकना और टाइगर मेमन का भी लिस्ट में नाम, इन दोनों पर भी 15-15 लाख का नाम। डी कंपनी पर हथियार और बारूद की तस्करी के आरोप पर जारी नोटों के कारोबार का भी मामला। दाऊद के भाई इकबाल इब्राहिम कास्कर का कबूलनामा, पाकिस्तान में ही दाऊद, छोटा शकील और अनीस इब्राहिम। मुंबई एनसीबी ने कास्कर को जून 2021 में किया था गिरफ्तार, जेल से रिमांड पर लेकर थी पूछताछ। इकबाल ने मुंबई बम धमाके के आरोपी जावेद चिकना पर भी किया था बड़ा खुलासा, पाकिस्तान में करता है ड्रग्स का काम। बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार के मामले पर कोर्ट में सुनवाई, खुद कोर्ट में नहीं हुए पेश कार्तिक। कार्तिक कुमार नीतीश कैबिनेट से दे चुके हैं इस्तीफा, बदला गया था पोर्टफोलियो। दिल्ली विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, पार्टी के विधायकों को निलंबित करने का विरोध। केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी, निलंबन के फैसले का बताया असंवैधानिक। 3 निलंबित बीजेपी विधायकों को बाहर निकाला गया, बाकी विधायक ने किया बहिष्कार। दिल्ली विधानसभा में आज विश्वास मत पर होगी चर्चा, आज ही होगी वोटिंग। खुद मुख्यमंत्री ने रखा था विश्वास प्रस्ताव, नहीं जारी किया वेब। स्पाइसजेट की एक फ्लाइट के ऑटो पायलट सिस्टम में आई खराबी, लौटानी पड़ गई दिल्ली, दिल्ली से नासिक के लिए भरी थी उड़ान। दुमका केस में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी, लगाया गया पॉक्सो एक्ट। दिल्ली में दुमका जैसी वारदात, 20 सड़क पर छात्रों को मारी गई गोली, वीडियो सामने आया। अस्पताल से वापस आई पीड़ित छात्रा, 6 महीने बाद निकाली जाएगी शरीर से गोली। जैकलीन के लिए सुकेश ने श्रीलंका बहरीन में खरीदा था घर, ईडी का दावा। आज गणेश उत्सव का दूसरा दिन, महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में गणपति उत्सव की धूम, लाल बाग के राजा पंडाल में हुई बप्पा की आरती। मुंबई के फोर्ट इलाके में गणपति का बनाया गया भव्य पंडाल, 67 साल से गणपति की हो रही है पूजा। घर घर में हो रही है गणपति बप्पा की पूजा, तेजी शाह ने घर वालों के साथ उतारी गजानन की उतार आरती। सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा ने बप्पा का किया स्वागत, गणपति को आसन पर बैठाकर उतारी आरती। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कलाकारों ने मनाया गणेश उत्सव, सितारों ने इस मौके पर बप्पा से शो की कामयाबी के लिए मांगा आशीर्वाद। गणपति पूजा समारोह में दिखी अभिनेत्री श्रद्धा कपूर, पद्मिनी कोल्हापुर ने भी गणेश उत्सव मनाया। मुंबई में टीडीएस परिसर में गणपति के दर्शन के लिए बॉलीवुड के सितारों का लगा तांता, अनुराग बासु के अलावा आनंद एल राय और मुकेश भट्ट भी पहुंचे। राजगढ़ में गणेशोत्सव की होगा उमंग, चिंतावन गणेश मंदिर में 15 फीट के गणेश की पूजा। हुबली की ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह, मंच से हटाई गई वीर सावरकर की तस्वीर। झारखंड में जमशेदपुर में आधार कार्ड के आधार पर गणपति पंडाल, पंडाल की ऊंचाई 7 फीट, क्यूआर कोड को स्कैन करके देख सकते हैं गणेश की तस्वीरें। हरिद्वार के महाराजा दक्ष प्रजापति मंदिर में गणेश चतुर्थी की पूजा, सुबह की आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। कानपुर के एक शिक्षक ने बटोरी सुर्खियां, 700 से ज्यादा कई रूपों में गणेश की मूर्तियों का संग्रह। डिब्रूगढ़ के विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय में गणेश उत्सव, गायत्री महायज्ञ में अध्यापक और छात्रों ने लिया हिस्सा। डिब्रूगढ़ के गणेश मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया, सुबह होते ही जुड़े श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कोयंबटूर में धूमधाम से मनाई जा रही गणेश चतुर्थी, पुटी विजय नगर मंदिर में 4 टन फूलों से गणेश का श्रृंगार। औरंगाबाद में शिवसेना और महाराष्ट्र के मंत्रियों ने मनाई गणेश चतुर्थी, गणपति की आरती उतारी।
हैदराबाद में चार मीनार के पास स्थित भाग्यलक्ष्मी मंदिर में गणेश उत्सव की झलक, पहले दिन महाआरती में शामिल हुए श्रद्धालु। पुडुचेरी में विनय नगर में गणेश चतुर्थी समारोह, श्री मनकुला विनय नगर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। कर्नाटक के मांड्या में देखा सांप्रदायिक सद्भाव का रंग, हिंदू मुस्लिम ने मिलकर बनाया गणेश उत्सव। मुंबई के डोंबिवली में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मनाया जा रहा है गणेश उत्सव, टाटा मेमोरियल अस्पताल में बनाई गई झांकी। उड़ीसा के मयूरभंज में 60,000 पत्थर के टुकड़ों से तैयार की गई गणेश की प्रतिमा, हिंदू मुस्लिम मिलकर मना रहे हैं गणेश उत्सव। उड़ीसा के भुवनेश्वर में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए गणेश उत्सव, गजानंद देवता के रूप में पेड़ों की पूजा अर्चना। गुजरात के वडोदरा में गाजेबाजी के साथ गणेश उत्सव की धूम, सड़क से होते हुए गणपति जी की निकाली गई यात्रा, जमकर झूमे भक्त। अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बनाया गया सूरत का गणेश पंडाल, भगवान राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की थीम पर सजाया गया है। रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनाया गणेश चतुर्थी का उत्सव, अपने घर में गणपति की उतारी आरती। आ गई सर्विकल कैंसर की पहली स्वदेशी वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट का बयान, आने वाले कुछ महीनों में आम इस्तेमाल के लिए होगी उपलब्ध। 200 से 400 रुपए तक हो सकती है पहले स्वदेशी वैक्सीन की कीमत, सीरम इंस्टीट्यूट का बयान, अगले 2 साल में 2 करोड़ डोज होगी तैयार। बद्रीनाथ में 7 सितंबर से मनाया जाएगा माता मूर्ति मेला, भगवान बद्रीनाथ करेंगे अपनी मां से मुलाकात। खटीमा में शहीद हुए आंदोलनकारियों की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल। गया में पितृपक्ष मेला में आने वालों के लिए गुड न्यूज, पिंडदान ऐप और वेबसाइट लॉन्च, एक क्लिक पर तमाम जानकारी। मध्य प्रदेश के हिनोतिया गांव में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राहत कार्यों के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। मुंगेर में गंगा नदी में आई बाढ़ के चलते जेल की दीवार और नदी के बीच फंस गए 2 गाय, गोताखोर ने रेस्क्यू किया। राघोपुर में गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालत, दुकान और मकान जलमग्न। हमीरपुर में बाढ़ की चपेट में आई 2000 हेक्टेयर फसल, किसानों को करोड़ों का नुकसान। प्रयागराज के कई इलाकों में घटरा जलस्तर, शहर की सड़क कीचड़ से बेहाल, सफाई में जुटे नगर पालिका के कर्मचारी। अलीगढ़ में बीएसपी के पूर्व विधायक प्रमोद गौर की हत्या की साजिश के आरोप में 6 आरोपियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, मामले की पूछताछ जारी। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 2 सितंबर से रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत होने जा रही है, अब अस्पताल में नी और हिप की सर्जरी करेगा रोबोट। बोकाघाट में पुलिस के हाथ आई बड़ी कामयाबी, राइनो हॉर्नर्स के 2 व्यापारियों का किया गया गिरफ्तार, भारी मात्रा में राइनो हॉर्न बरामद। अलीगढ़ में चल रही होम्योपैथिक की अवैध फैक्ट्री पर पुलिस ने मारा छापा, लाखों रुपए की दवाओं सील। लखनऊ सीतापुर नेशनल हाईवे पर टोल में बढ़ोतरी, आज 12 बजे से लागू हो जाएंगी नई दरें। लखनऊ के लोक भवन की सुरक्षा में बदलाव, अब यूपीएसएसएफ को सौंपी गई लोक भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश के मदरसों में निरीक्षण पर बोले अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश अंसारी, कहा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच जरूरी है। उत्तर प्रदेश के हजारों गाय लंपी नामक बीमारी की चपेट में, फतेहपुर में एक गाय में मेरे लंपी रोग के लक्षण। सीतापुर में फसलों के नुकसान को लेकर किसानों में दिखा आक्रोश, सड़क पर गायों को बांध कर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। गाय में एक पत्रकार के घर दिन दहाड़े पड़ी लाखों की लूट, पुलिस ने दर्ज किया केस, मामले की जांच में जुटी पुलिस। देश में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस, बीते 24 घंटे में देश में 7,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस, पिछले 24 घंटों में देश में 9,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात, 2.98% संक्रमण दर। पश्चिम बंगाल में बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस, बीते 24 घंटे में सामने आए 272 नए केसेस। पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में ठीक हुए कोरोना से 305 मरीज, राज्य में अब तक 20 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मुक्त।
राज्य में बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, 24 घंटों में हुई 10,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच। 1 सितंबर से 100 रुपए तक सस्ता हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर, दिल्ली में 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर 1,885 रुपए का हो जाएगा। आरबीआई के 16.2% के अनुमान के मुकाबले महंगाई की वजह से 13.5% रही अप्रैल जून तिमाही की जीडीपी ग्रोथ। जुलाई में कोर सेक्टर की ग्रोथ 6 महीने के न्यूनतम स्तर पर लुढ़कर 4.5% रही, पिछले साल जुलाई में 9.9% थी कोर सेक्टर की ग्रोथ। अगस्त में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1.43 लाख पर पहुंचा, पिछले साल के अगस्त के मुकाबले 28% ज्यादा रहा पिछले महीने जीएसटी कलेक्शन। जनवरी जून जमाई में 1,247 करोड़ के नुकसान के बाद स्पाइसजेट के सीएफओ ने दिया इस्तीफा, पहली तिमाही में 458 करोड़ और दूसरी तिमाही में एयरलाइन को हुआ 789 करोड़ का नुकसान। अगस्त में कार कंपनियों की बिक्री के आंकड़े सामने आने के बाद रिकॉर्ड बिक्री में हुआ बढ़ावा, अगस्त में कारों की बिक्री 29 से 31% बढ़कर 3.4 लाख यूनिट्स पर पहुंची। आईसीआईसीआई बैंक ने एमसीएलआर में लगातार चौथी बार बढ़ोतरी करते हुए 0.10% का इजाफा किया है, इसके बाद बैंक का एमसीएलआर 7.65% से लेकर 8.00% रहेगा। भविष्य में फ्यूल की डिमांड और रिफाइनिंग क्षमता का आकलन करने के लिए सरकार ने शुरू की प्रक्रिया, तेल मंत्रालय की पेट्रोलियम प्लानिंग और एनालिसिस सेल को सौंपी गई नई जिम्मेदारी। भारत में फेसबुक इंस्टाग्राम की आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ मेटा ने कार्रवाई की, मेटा ने जुलाई में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 2.7 करोड़ पोस्ट हटवा दिए। जुलाई में क्रेडिट कार्ड से खरीदारी 118% की दर से बढ़ी, जुलाई में लगातार 5वें महीने क्रेडिट कार्ड से हुई 1 लाख करोड़ से ज्यादा की खरीदारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री यायर से अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की। ईरान से मिल रही सुरक्षा चुनौतियों पर बाइडेन ने ईरान को परमाणु हथियार नहीं हासिल करने देने की दोहराई प्रतिबद्धता। युआन ने चीन पर वीगर मुस्लिम पर अत्याचार का लगाया आरोप, चीन के शिनजियांग मुसलमानों को हिरासत पर जताई चिंता। चीन ने यूएन में पेश रिपोर्ट पर जताई आपत्ति, चीन ने रिपोर्ट को बताया झूठ का पुतिंदा, रिपोर्ट को राजनीतिक प्रेरित। अमेरिका ने रूस पर प्राकृतिक गैस को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का लगाया आरोप, व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता ने पाइपलाइन के जरिए यूरोप को हो रही प्राकृतिक गैस की सप्लाई रोके जाने की रूसी कार्रवाई का दिया हवाला। रूसी सरकार ने गैस कंपनी नॉर्ड स्ट्रीम को अगस्त में रखरखाव की बात कहकर बंद कर दिया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन के देशों में रूसी टीवी चैनलों के प्रसारण पर रोक की उठाई मांग। जेलेंस्की ने रूसी चैनलों पर गलत जानकारी प्रसारित करने का लगाया आरोप, जेलेंस्की ने रूसी पर्यटकों के यूरोपियन यूनियन में प्रवेश बंद करने की भी मांग उठाई। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की रेस और हो गई तेज, अगले हफ्ते होना है नए प्रधानमंत्री का ऐलान। दोनों मुख्य दावेदारों से कंजर्वेटिव पार्टी कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा की बढ़ी कीमतों और महंगाई पर पूछे सवाल, लिज ट्रस ने ऊर्जा सप्लाई बढ़ाने का दिया जोर, तो ऋषि सुनक ने जरूरतमंदों को मदद दिए जाने का आश्वासन दिया। स्विज नहर में फंसा जहाज पानी में दोबारा उतारा गया, नियंत्रण खोने की वजह से हादसे की आशंका। जहाज के फंसने की वजह से नहर के दक्षिणी हिस्से में जहाजों की आवाजाही हुई प्रभावित, जहाज के दोबारा पानी में उतरने के बाद फिर से शुरू हुई जहाजों की आवाजाही। पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो की करीबी रिश्तेदार येनिफर को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में भेजा गया जेल। राष्ट्रपति पेट्रो ने परिवार को परेशान करने का लगाया आरोप, राष्ट्रपति ने संघर्ष जारी रखने और हालात पर मुकाबला मजबूती से करने की बात कही। वेतन बढ़ाए जाने समेत कई मांगों के समर्थन में अमेरिका के वॉशिंगटन में शिक्षकों की हड़ताल, छठे दिन भी जारी, कई और शिक्षक संगठनों की हड़ताल में शामिल होने की खबर।